Good morning to all of you. गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे एक बार जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन रहेगा उसमें हम करेंगे बहुत ही साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सभी यहाँ पे जल्दी से आ जाइए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सभी को प्रणाम, वेरी गुड इवनिंग, सभी को वेरी गुड इवनिंग। तो सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स अभी तक जिन्होंने एग्जामपुर की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, जल्दी से डाउनलोड कर लेना। और ऐसे बच्चे जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड तो किया है लेकिन अभी तक अपडेट करना भूल गए हैं, जल्दी से अपडेट भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले, और एक एक करके आप सभी को यहाँ पर प्रश्नों का उत्तर देते रहना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, और जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही बनेगा। तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस जीव के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला हुआ होता है। चलिए, काफी अच्छा प्रश्न है कि ऐसा कौन सा यहाँ पर जीव है जिसके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला हुआ होता है। चलो जल्दी से इसका आंसर करो। वेरी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते प्रणाम, सभी आ जाइए जल्दी से। और आंसर की अगर हम बात करें तो जो आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा केंचुआ। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अर्थवॉर्म, यानी केंचुआ यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक चीज और आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि अगर हम प्लाज्मा के बारे में बात करें तो प्लाज्मा क्या होता है और हीमोग्लोबिन क्या होता है, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं उसके बारे में आपको सबसे पहले यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो जब कभी भी आप रक्त के बारे में यहाँ पर बात करते हो, जब कभी भी आप रुधिर के बारे में, ब्लड के बारे में बात करते हो, तो ब्लड का जो भी लिक्विड फॉर्म होता है, तरल भाग जो होता है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। जबकि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सभी की अगर हम बात करें तो ये ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी कि रक्त कणिकाएं यहाँ पर कहलाती है। और जब कभी भी विशेष तौर पर अगर हम आरबीसी के बारे में बात करते हैं तो आरबीसी के चारों तरफ कुछ यहाँ पर प्रोटीन्स चिपके हुए होते हैं जिनको हम सभी हीमोग्लोबिन के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को अपने आप में बाइंड करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऐसा आप कह सकते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का भी यह परिवहन करता है। तो केंचुआ की अगर आप बात करो तो केंचुआ कैसा है, किससे संबंधित है, तो आंसर करना कि यह एक प्रकार का इनवर्टिब्रेट होता है, इनवर्टिब्रेटा होता है, हिंदी में इसको हम कहते हैं कि यह अकशेरुकीय प्राणी है, यह अकशेरुकीय प्राणी होता है। इस चीज को आप लोग यहाँ पर समझेंगे सबसे पहले। और दूसरे नंबर पर आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि किस फाइलम से, किस संघ से यह संबंधित होता है, तो आंसर आपको करना है कि यह तो एनलिडा से संबंधित होता है। किससे संबंधित होगा तो लिखेगा यहाँ पर एनालिडा से यह संबंधित होता है। तो फटाफट से आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। आप कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम ये इनवर्टिब्रेट्स का क्या मतलब होता है, तो प्यारे बच्चों ऐसे जंतु, ऐसे एनिमल्स जो बहुत ही लोअर कैटेगरी के होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, तो मोटे तौर पर आप ऐसे कह सकते हो कि रीढ़ की हड्डी नहीं होती, पर खास तौर से जो रीढ़ की हड्डी का निर्माण होता है वह नोटोकॉर्ड नाम के एक पदार्थ से होता है। तो अगर हम अपनी रीढ़ की हड्डी के बारे में बात करें तो हमारी रीढ़ की हड्डी है वर्टिब्रे है, जिसको कशेरुकी कहते हैं, और नोटोकॉर्ड से यह बना हुआ है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर किसी तरह का कोई भी नोटोकॉर्ड नहीं है। मोटे तौर से समझने के लिए आप यह सोच सकते हैं कि यह एक सामग्री है, यह एक ऐसा पदार्थ है जो कि सीमेंट की तरह है, और फिर उसी से आगे जाकर के क्या बनता है, बैकबोन बनता है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान यहाँ पे रखिएगा। तो यहाँ पर पॉइंट आता है, सांप भी इसी में आता है, नहीं बेटा सांप इसमें नहीं आता है, ठीक है, अभी मैं वही बताने वाली थी, सांप इसमें नहीं आता है, केंचुआ इसमें आता है। क्यों? क्योंकि जो सांप होता है उसको हम रखते हैं वर्टिब्रे में। तो लिख लीजिए यहाँ पर कि जो भी यहाँ पर वर्टिब्रेट्स होते हैं, और हिंदी में इन्हें कहा जाता है कशेरुकी प्राणी, हिंदी में इन्हें क्या कहा जाता है, कशेरुकीय प्राणी इनको यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। अब जो भी यहाँ पर कशेरुकीय प्राणी होते हैं, जो भी यहाँ पर वर्टिब्रे होते हैं, वह कौन कौन से होते हैं, नंबर फर्स्ट सभी तरह की फिशेस, यानी सभी तरह की जो मछलियां होती है, मछली होती है वो इसके अंतर्गत आती है। दूसरे नंबर पर सभी तरह के एम्फीबियंस,
सभी तरह के एम्फीबियंस जिनको हम उभयचर के रूप में यहाँ पर जानते हैं। और फिर तीसरे नंबर पर आते हैं यहाँ पर रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो इन्हें हम सरीसृप कहते हैं। तो ध्यान रखना कि जो सांप होता है ना, जो सर्प होता है, जो स्नेक होता है, उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो स्नेक वगैरह होंगे वो सभी किसके अंदर आते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं, सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चौथा यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर हम बर्ड्स के बारे में, पक्षियों के बारे में बात करें तो जो पक्षी होते हैं वो भी कशेरुकी प्राणी यानी वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। और पांचवें नंबर पर आते हैं यहाँ पर मैमल्स यानी स्तनधारी प्राणी। ठीक है, तो फटाफट से आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलो फटाफट से आप इसको नोट कर लो। ऑक्टोपस किस में आता है? ऑक्टोपस हमारा इनवर्टिब्रेट यानी अकशेरुकी प्राणी में आता है। ठीक है, यहाँ पे आएगा अकशेरुकी प्राणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो जो बच्चे कहते हैं कि सांप किस में आएगा, तो बच्चों आपको पता है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं उसी के अंतर्गत सांप आते हैं, है ना। तो सांप क्या हो गया, आपका वर्टिब्री हो गया। और इनके अंदर बहुत ही भारी मात्रा में कशेरुकी पाई जाती है। कशेरुकी का क्या मतलब होता है, वर्टिब्री। आपने देखा होगा कि लगभग 2-2, 3-3, 5-5 मीटर लंबा सांप होता है और वह कुंडली मार के इतनी छोटी सी जगह में बैठ जाता है। देखा ना आपने ऐसे कुंडली मार के, है ना। तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मल तौर पर देखें तो कुंडली मार के बैठा, तो जब वो सीधा हुआ होगा तो उसकी हड्डी टूट गई होगी क्या? नहीं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कशेरुकी होती है, बहुत सारी वर्टिब्री होती है, और वह इसीलिए काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल यहाँ पर होता है। पोरीफेरा होता है ना ऑक्टोपस मैम? नहीं ईशान, ऑक्टोपस मोलस्का परिवार का सदस्य है, मोलस्का। ठीक है, जैसे कि केंचुआ एनेलिडा फाइलम संघ का सदस्य है, ऐसे ही अगर हम ऑक्टोपस के बारे में बात करें तो ऑक्टोपस मोलस्का के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। मधुमक्खियों का प्रयोग किसके अंतर्गत यहाँ पर होता है? पहला होता है सेरिकल्चर, दूसरा होता है यहाँ पर टिश्यू कल्चर, फिर आ रहा है यहाँ पे एपिकल्चर, और फिर आता है यहाँ पर पाइसी कल्चर। बताइए जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही बनेगा? आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, कि जो सी ऑप्शन है वह बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही बन जाएगा, एपिकल्चर। तो जब कभी भी हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, एप्स के बारे में तो, या एपी के बारे में, तो एपी का मतलब होता है यहाँ पर मधुमक्खी। ठीक है, तो एपी का मतलब क्या होता है, मधुमक्खी। तो जब शहद पालन कर रहे हैं हम, है ना, हनी निकाल रहे हैं हम, हनी रेयरिंग कर रहे हैं, तो एपिकल्चर यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, सेरिकल्चर का मतलब होता है रेशम पालन। दूसरे नंबर पर टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर की अगर हम बात करें तो टिश्यू कल्चर बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है। और जो पाइसी कल्चर का मतलब होता है मछली पालन। ठीक, चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। वर्मी कल्चर क्या है? अगर हम सभी वर्मी कल्चर के बारे में बात करें तो वर्मी कल्चर क्या यहाँ पर होता है? नंबर फर्स्ट, द साइंस ऑफ द राइजिंग वॉर्म, कीड़े पालने का विज्ञान, जानवरों के अध्ययन का विज्ञान, या मछलियों के अध्ययन का विज्ञान, या फिर कीड़े मारने की कला। चलो जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा विज्ञान यहाँ पर यह होगा। अब वर्मी कल्चर, तो देखो दो शब्द है यहाँ पर, वर्मी कल्चर, देखो दो शब्द है यहाँ पर। वर्मी, वर्मी का मतलब होता है वार्म, वार्म का मतलब होता है यहाँ पर कीड़े। ठीक है, कल्चर का मतलब होता है पालन करना या रेयरिंग करना। ठीक, तो जब कभी भी हम वार्म का यहाँ पर अध्ययन करेंगे, कीड़े यहाँ पर पालेंगे, ठीक है, क्रीमी, जैसे कीड़े इसके लिए सही शब्द नहीं है एक्चुअली में, क्रीमी शब्द इसके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल तौर पर अर्थवॉर्म के बारे में बात करते हैं, केचुआ के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली केचुआ पालन जो होता है, ठीक है, बेसिकली जो केचुआ पालन होता है वही आपका क्या कहलाता है यहाँ पर, वर्मी कल्चर कहलाता है। तो चलिए से नोट करेंगे कि जो ए ऑप्शन है वह बिल्कुल यहाँ पर हमारा सही है। ठीक है, वर्मी कल्चर है बेटा, विटी कल्चर नहीं है। विटी कल्चर होता तब अंगूरों की खेती होती, ठीक है, अंगूरों की खेती विटी कल्चर को कहते हैं। और अगर नॉर्मल तौर पर देखें यहाँ पर तो वर्मी कल्चर हम अर्थवॉर्म के रेयरिंग को कहते हैं। तो जो भी हमारा अर्थवॉर्म होगा, अर्थवॉर्म यानी केचुआ, ठीक है, केचुआ,
अब केचुआ की अगर हम बात करते हैं, अर्थवर्म की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो हमेशा एक चीज को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि अर्थवर्म किससे संबंधित है, एनेलिडा से संबंधित है। दूसरे नंबर पर इसे किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यह मिट्टी को पोरस बनाता है, छिद्रयुक्त बनाता है, जिसकी वजह से एयर या खासतौर से ऑक्सीजन की मात्रा मिट्टी के हर स्तर पर पहुंचती है, जिससे उपजाऊ क्षमता यहाँ पर बढ़ती है। जितना यह खाता है उससे लगभग 3 गुना ज्यादा यह वर्मी कंपोस्ट यानी कि वर्मी खाद बनाने का काम भी करता है, और इसी वजह से जहां पर भी यह पाया जाएगा वहां पर मिट्टी की जो फर्टिलिटी होती है, खेत की जो उपजाऊशीलता होती है, वह ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाती है, और इसी वजह से इनको किसानों का मित्र यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि फिनोल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए किया जाता है। काफी अच्छा प्रश्न है, चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे। कौन सा आंसर यहाँ पर आप लोगों का सही होना चाहिए, बताओ जल्दी से इसका आंसर करो। यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर आप लोगों का सही होना चाहिए, ये ऑलरेडी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले भी करवाया हुआ है, तो कोई भी यहाँ पे गलत नहीं करेगा। ठीक है, नमस्ते बच्चों, आ जाओ सभी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिनोल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण के लिए किया जाता है। पहला है पीवीसी, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है यहाँ पर पॉलिस्टीरीन, और फिर है यहाँ पर बैकलाइट। चलो जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही बनेगा। और आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बैकलाइट। तो लिख लीजिए यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, बैकलाइट के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, बैकलाइट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बैकलाइट क्या है, एक तरह का थर्मोसेटिक फिनोल है। और 1907 के आसपास की बात है जब यह अस्तित्व में यहाँ पर आया था, और फिनोल का उपयोग मुख्यतः हम बैकलाइट के इस्तेमाल के लिए यहाँ पर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन का अनुमान लगाते हुए घोषणा की कि सभी चीजें पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण करती है। चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए, बताओ फटाफट से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो न्यूटन ने क्या कहा था कि सभी चीजें पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, पर न्यूटन से भी पहले यहाँ पर एक कह सकते हैं विद्वान थे हमारे देश के, जिनका नाम था यहाँ पर ब्रह्मगुप्त। क्या नाम था? ब्रह्मगुप्त। और ब्रह्मगुप्त की अगर हम बात करें तो वह 7th century यानी 7वीं शताब्दी में यहाँ पर आए। ठीक है, 7वीं शताब्दी में वह पैदा हुए थे, 7वीं शताब्दी में वह काफी ज्यादा यहाँ पर फेमस थे, और उन्होंने लिखा था यहाँ पर ब्रह्मस्पुता सिद्धांत। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ब्रह्मसुप्ता सिद्धांत, और उसके लिए वो बहुत ज्यादा यहाँ पर फेमस थे, और उन्होंने ही सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में यहाँ पर बताया था। ठीक है, और ये कब की बात है, 7वीं शताब्दी से भी पहले या के आसपास। ठीक है, चल हाँ अंकिता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बात करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी हमारी कॉस्मिक किरणें होती हैं वह क्या यहाँ पर कार्य करती हैं, चलिए जल्दी से इसका आंसर करिएगा, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका बनेगा। कि आर द चार्ज पार्टिकल, यानी कि ये चार्ज आवेशित कण होती है, या फिर यह अनावेशित कण होती है। तीसरा है यहाँ पे कैन बी चार्ज एज वेल एज अनचार्ज, यानी चार्ज किया जा सकता है और साथ ही बिना चार्ज किया जा सकता है, और फिर यहाँ पर कह रहा है कि नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। चलो जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही बनेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही बनेगा। तो जो भी यहाँ पर कॉस्मिक रेज होती है वह कैसी होती है, आवेशित कण की तरह यहाँ पर कार्य करती है। बिल्कुल ठीक है, ये पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है, फिर भी बच्चे कितना ज्यादा यहाँ पे गलत कर रहे हैं, है ना, ऐसे कैसे चलेगा। चलो तो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए कुछ स्पेशल बात कि गुरुकुल ऑन ऑफलाइन क्लासरूम आप लोगों के लिए आया हुआ है, इसका जो सेंटर है वो नोएडा में है, और यहाँ पर न्यू स्पेशल बैच आप लोगों के लिए बना है SSC MTS हवलदार 2022 से, जो कि बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए रहेगा।
और 13 फरवरी से इसकी क्लासेस आप लोगों के लिए यहाँ पर स्टार्ट होंगी, तो आप सभी 13 फरवरी से इसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पर कि कंप्यूटर में आईसी चिप्स के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अब कंप्यूटर में बहुत सारी चिप्स होती है और वह किसकी बनी हुई होती है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। सिलिकॉन की बनी हुई होती है, किसकी बनी हुई होती है, सिलिकॉन की बनी हुई होती है। तो फटाफट से नोट करेंगे कि भाई जो सिलिकॉन है वह बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर बनेगा, ठीक है। तो फटाफट से आप इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल है जो कि आईसी चिप्स बनाने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि यह सेमी कंडक्टर होता है। कैसा होता है, सेमी कंडक्टर यहाँ पर यह होता है, यानी अर्ध चालक के रूप में यह कार्य यहाँ पर करता है। और 1958 की बात है, उस टाइम पर किलबाई नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे और उन्होंने ही सबसे पहले इस चिप को बनाने का काम यहाँ पर किया था, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे कि जो ए ऑप्शन है वह बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर की जो आईसी चिप्स होती है वह कौन बनाता है, किससे बनता है, सिलिकॉन से बनता है और यह सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है। और 1958 में किलबाई नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने यह कार्य यहाँ पर किया था। तो विमलेश एक्चुअली पीडीएफ तो मैं दे देती हूँ बेटा, लेकिन जो टेलीग्राम वगैरह में जो पीडीएफ अपलोड करते हैं वो लोग अभी है नहीं यहाँ पर, ठीक है, और वो काफी दिनों से आ भी नहीं रहे। बाकी मैंने ये प्रॉब्लम सबको बता दी है, उम्मीद करती हूँ कि जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है, तो परेशान मत हो, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट है यहाँ पर कि तांबे के संदूषण को रोकने के लिए आमतौर पर पीतल के बर्तनों की कोटिंग के लिए किस धातु का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। चलो अब जल्दी से इसका आंसर करो, यहाँ पर कौन सा आंसर एट्थ का सही यहाँ पर होना चाहिए, बताओ जल्दी से इसका आंसर करो, जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए। पहला होगा यहाँ पर टीन, दूसरा होगा यहाँ पे जिंक, फिर होगा एल्यूमिनियम और फिर होगा यहाँ पर लेड। क्या यहाँ पर आंसर सही बनेगा, आप सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास पीतल का बर्तन है, कॉपर का बर्तन है। अब जो कॉपर का बर्तन होता है उसमें तांबा, ठीक, तांबा कॉपर बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इस वजह से अगर हम उसको खुला छोड़ दें तो कई बार उसमें इरोजन होने लगता है या हल्की सी काला हरा ऐसा जंग सा वहां पर लगने लग जाता है। तो उसको रोकने के लिए हम सभी यहाँ पर क्या करते हैं, टिन की कोटिंग उसके ऊपर यहाँ पर कर देते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि पीतल के अंदर जो तांबा है वह खराब यहाँ पर नहीं होता है। और इसीलिए जो आंसर यहाँ पर बना वह क्या है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं कि ट्यूबलाइट इज फिल्ड विद, अगर आप ट्यूबलाइट के बारे में बात करें तो ट्यूबलाइट में क्या भरा हुआ होता है, ट्यूबलाइट में क्या यहाँ पर भरा हुआ होता है। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले सोडियम वाष्प भरा हुआ होता है, कम दबाव पर आर्गन गैस होती है, कम दबाव पर पारा वाष्प भरा हुआ होता है, या फिर मर्क्यूरी ऑक्साइड और आर्गन गैस यहाँ पर भरी हुई होती है। चलिए जल्दी से इसका आंसर कर दीजिएगा, कौन सा आंसर यहाँ पर नाइन्थ का हमारा सही होना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर सही आंसर करते हैं। नमस्ते बच्चों, सभी बच्चों को नमस्ते। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को एक बार और भी करवाए हुए हैं, है ना, फिर भी बच्चे इसका सही आंसर नहीं कर रहे हैं, गलत बात है ये बहुत ज्यादा। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो, यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही बनेगा। नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्ते। अब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि कम दबाव पर आर्गन गैस और कम दबाव पर पारा वाष्प, ये दोनों ही आंसर आप लोगों के यहाँ पर सही है। तो जब प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें की जब आई तो लिखा हुआ था बी और सी दोनों ही यहाँ पर सही, कि कम दबाव पर आर्गन गैस भी दिया जाता है और कम दबाव पर यहाँ पर पारा वाष्प भी यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं, वेल्डिंग गैस में निम्नलिखित में से किस गैस मिश्रण का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। आपने देखा होगा वेल्डिंग होते हुए हमारे पास दो स्टील है, दो लोहा है, उनकी छड़ों को जोड़ने के लिए या कोई नया सामान बनाने के लिए हम सभी वेल्डिंग करते हैं। तो वेल्डिंग में बहुत सारी गैसों को मिलाया जाता है और फिर यहाँ पर वेल्डिंग गैस बनती है। तो वेल्डिंग गैस में कौन सी गैसेस यहाँ पर होती है, चलो
जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए। तो वेल्डिंग गैस में कौन सी गैसेस यहाँ पर होती हैं? नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर क्या है? ऑक्सीजन। और दूसरे नंबर पर क्या होती है यहाँ पर? एसिटाइलीन। तो लिख लीजिए इसका जो आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फटाफट से नोट करो कि जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सीएनजी क्या है? अगर आप सभी सीएनजी की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो सीएनजी की फुल फॉर्म क्या यहाँ पर होती है? पहला है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, पहला ही सही है, लिख लीजिए यहाँ पर, संपीड़ित प्राकृतिक गैस उसको हिंदी में कहा जाता है। तो आंसर क्या बना यहाँ पर? ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही बना। ठीक है, तो फटाफट से नोट करो, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि ब्लू ग्रीन एल्गी आर चीफली यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर इन द क्रॉप ऑफ। नील हरित शैवाल मुख्यतः किस फसल में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग की जाती है? चलिए बच्चों जल्दी से इसका आंसर करेंगे। पहला है गेहूं, दूसरा है चना, फिर है धान और फिर है यहाँ पर सरसों। कौन सा आंसर यहाँ पर आप लोगों का सही होना चाहिए? देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर सही आंसर करते हैं, जल्दी से बताइए। तो नील हरित शैवाल की अगर हम बात करें तो इसको हम सबसे ज्यादा पैडी यानी धान के खेतों में इसका सबसे ज्यादा प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं। अब आप सभी मुझे यह बताओ कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों फेमस है? ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम क्या यहाँ पर है? तो ध्यान रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया। तो यह आप लोगों को याद यहाँ पर होना चाहिए कि ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। दूसरे नंबर पर आप सभी को यह पता होना चाहिए कि यह एक प्रोकैरियोटिक है। यह क्या है? प्रोकैरियोट इसको यहाँ पर कहा जाता है, प्रोकैरियोट इसको यहाँ पर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह प्रोकैरियोटिक कोशिका से बनी हुई होती है, यानी एक ऐसी कोशिका जो बिल्कुल भी विकसित नहीं है। जब यह इस धरती पर जीवन शुरू हुआ तब उस टाइम पर यह पहली पहली बार बनी होंगी। और साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इनके पास न्यूक्लियस ना के बराबर होता है, केंद्रक ना के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि केंद्रक के चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि जो केंद्रक कला होती है वो इनमें नहीं पाई जाती है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट इसको हम यहाँ पर कहते हैं। ये कैसी होती है? यूनिसेलुलर होती है, यूनिसेलुलर होती है यानी एक कोशिकीय होती है, एक कोशिकीय यह होती है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से यह बनी हुई होती है, एक कोशिकीय यह होती है। साथ में आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि जो भी यहाँ पर हमारी साइनोबैक्टीरिया होगी दैट इज द कनेक्टिव लिंक। वो क्या है? कनेक्टिव लिंक है, कनेक्टिव लिंक है यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो कि एक संयोजक कड़ी है, एक कड़ी है किसके किसके बीच में? तो आंसर उकड़ना है यहाँ पर कि यह कड़ी है किसके किसके बीच में? बैक्टीरिया और एल्गी, बैक्टीरिया और एल्गी के बीच की यह कड़ी है। यानी ऐसा है कि जब बैक्टीरिया की हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया इस धरती पर सबसे पहले बनी थी, और जब कभी भी हम बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया ही रही, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो कि शैवाल बनने की कोशिश कर रही थी पर उनका विकास उतना नहीं हो पाया और वह साइनोबैक्टीरिया बन के ही यहाँ पर रह गई। तो अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि बैक्टीरिया और एल्गी के बीच की कड़ी कौन है, तो आंसर आपको करना है कि वह नील हरित शैवाल यानी कि साइनोबैक्टीरिया ही यहाँ पर है। एक और यहाँ पर प्रश्न आता है कि इस दुनिया में सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसने की थी? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो लिखो यहाँ पर दे आर द फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। और हिंदी में किसे हम कहें तो यह प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव है, प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव है। ठीक है, तो इस दुनिया में पहली बार जो प्रकाश संश्लेषण किया वह किसने किया? तो आंसर करना किन्होंने ही किया। हाँ अंकिता, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। यदि कोई मानव रोग दुनिया के एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है? चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर आप लोगों का सही होना चाहिए।
इसके अलावा अंकिता आप मुझसे जुड़े हुए हो इंस्टाग्राम पे बेटा, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको तुरंत तो रिप्लाई नहीं मिल पाएगा लेकिन थोड़ी देर में जरूर रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ाती रहती हूँ ना बहुत सारे बैचों में, तो तुरंत आंसर कई बार नहीं कर पाती, ठीक है, तो परेशान मत हो। चलो आप जल्दी से इसका आंसर करेंगे, यहाँ पे 13 का कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए, और आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी महामारी के नाम से, यानी कि पैंडेमिक्स के नाम से हम इसको यहाँ पर जानते हैं। आप सभी को ये भी पता होगा कि अभी जब कोरोना के बारे में बात हुई थी तो उसके लिए भी यही शब्द यहाँ पर यूज किया गया था, जो लार्ज स्केल में बहुत सारी कंट्री में सेम टाइम पर लोगों को मार रहा हो, तो उसके लिए हम सभी पैंडेमिक शब्द का यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। मैं भी जुड़ा हूँ दीदी आपसे, ठीक है, हैप्पी बॉय, ओके, अब मैं रिप्लाई करूंगी सबका, रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है। चलो इंस्टा आईडी क्या है मैम आपकी, बायोलॉजी क्वीन के नाम से अगर आप देखोगे, बायोलॉजी क्वीन अमृता मैम, अमृता साहू ऐसा डालोगे तो मैं आ जाऊंगी, ठीक है, तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर पढ़ते हैं, भारत में जन्म लेने के बाद प्रत्येक 200 बच्चों में से एक की मृत्यु डायरिया से होती है, और इसका कारण यहाँ पर क्या होता है। चलिए जल्दी से इसका आंसर करिए, ठीक है, हिटमैन बताओ जल्दी से इसका आंसर करो, यहाँ पर कौन सा आंसर आप लोगों का यहाँ पर सही होना चाहिए। तो भारत में जन्म लेने के बाद जो बच्चे हैं, ठीक है, 200 बच्चों में से एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है डायरिया की वजह से हो जाती है, और उसका क्या यहाँ पर कारण है। पहला बैक्टीरिया, दूसरा है रोटा वायरस, फिर है अमीबा, और फिर है यहाँ पर फंगस यानी कि कवक। चलो जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए। नमस्ते बच्चों, सभी को नमस्ते, और लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया था, बताइए जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट से इसका आंसर करिएगा, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए, और इसका जो सही आंसर है वह क्या बनेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो लास्ट टाइम पे भी, अब मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी बुक्स में रोटा वायरस दिया है, ठीक है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है अमीबा। इसका जो आंसर है वह क्या दिया हुआ है, अमीबा, मतलब रोटा वायरस दिया हुआ है पर इसका जो सही आंसर है वह क्या है, अमीबा। अगर आप सभी अमीबा के बारे में बात करें, खास तौर से एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, अगर हम बात करते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में, तो यह एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, और जो आपका अमीबा होता है ना, अमीबा का ही बड़ा भाई है, ऐसा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल तौर पर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में बात करें, तो इसी से ही सबसे ज्यादा डायरिया होता है बेटा। डायरिया की जो बीमारी होती है वह खास तौर से किसकी वजह से होती है, जब आप देखते हो कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मतलब ये नहीं है कि हो गैस बनने लगे, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मतलब होता है अमाशय से संबंधित कोई प्रॉब्लम, या फिर आप अगर अपने इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं, अपनी छोटी आंत बड़ी आंत, तो उसमें संक्रमण यहाँ पर हो गया, और उसी को हम सभी क्या कह रहे हैं कि भाई डायरिया यहाँ पर हो गया, तो ये छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर पढ़ते हैं, केसर का मसाला बनाने में पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। काफी अच्छा प्रश्न है, और चलिए जल्दी से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही होना चाहिए, बताइए फटाफट से इसका आंसर करिएगा, तो यहाँ पे लिखे बताओ जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पर आप लोगों का सही होना चाहिए। देखते कितने बच्चे यहाँ पर सही आंसर करके बताते हैं, नमस्ते बच्चों, सभी को नमस्ते, और इसका जो सही यहाँ पर आंसर बनेगा वह क्या है, डी ऑप्शन वर्तिकाग्र, वेरी गुड। तो फटाफट से नोट करेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे यहाँ पे बताओ कि ये जो वर्तिकाग्र होता है, ये जो स्टिग्मा होता है, ये होता क्या है, ये कहाँ पर पाया जाता है। तो बच्चे जब कभी भी आप पुष्प के बारे में, फूल के बारे में, फ्लावर के बारे में बात करेंगे, तो फ्लावर में स्त्री केसर पाया जाता है, और जो भी स्त्री केसर होता है यानी फीमेल वाला भाग, वो कुछ आपको इस तरीके का दिखाई देता है। तो जो सबसे ऊपर का एक चिपचिपा भाग आपको दिखाई देगा, उसी को हम सभी वर्तिकाग्र कहते हैं, और इसका क्या काम होता है कि जैसे ही पोलन ग्रेन्स, जैसे ही परागकण उड़ते हुए यहाँ पर आए, तो यह इसको अपने ऊपर यहाँ पर चिपका लेता है, और इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र, इसी को ही हम लोग यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे ध्यान आप रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं,
कि अंगोरा ऊन किस नस्ल से प्राप्त किया जाता है, अंगोरा ऊन किस नस्ल से प्राप्त यहाँ पर किया जाता है। चलिए चलिए इसे इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए। अब ऊन तो भाई भेड़ से प्राप्त किया जाता है, पर अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तब आपको आंसर करना है कि अंगोरा ऊन हम सभी खास तौर से बकरी यानी गोट की एक प्रजाति होती है उससे बनाते हैं, या फिर खरगोश के जो फर होते हैं उनसे बनाए जाते हैं, और उन्हीं को ही हम अंगोरा ऊन के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर पढ़ते हैं। मुख्य मच्छर विकर्षक कहाँ से प्राप्त होता है? अब यहाँ पर हमारे पास मक्खी मच्छर बहुत सारे हैं, यानी मॉस्किटो है, मच्छर है, और मच्छर को हमें दूर भगाना है। तो जैसे हम ऑल आउट का यूज करते हैं, या फिर हम सभी गुड नाइट का यूज करते हैं, है ना, या फिर कछुआ छाप अगरबत्ती का यूज करते हैं, या फिर बहुत सारे चीजों का उपयोग करते हैं। पर अगर आप नेचुरली देखो तो नेचुरली हम किसका उपयोग यहाँ पर करेंगे, तो आंसर कहना नीम का उपयोग हम यहाँ पर करेंगे, और नीम का ही जो नाम है साइंटिफिक वो है मार्गो, है ना। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था एक साबुन भी आता है नीम वाला साबुन मार्गो, और उसमें नीम की पत्ती का इमेज बना हुआ होता है, चित्र बना हुआ होता है। ठीक है, तो मार्गो नीम। ठीक है, एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, वायरस से इन्फेक्शन हो रहा है, या फंजाई से इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर स्किन की, बालों की, अंदर खून की खराबी, कोई सी भी खराबी हो रही हो, सबसे बेस्ट क्या होता है? नीम ही होता है ना। तो इस चीज को ध्यान यहाँ पर रखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चिलगोजा किस प्रजाति के बीज से बनाया जाता है? चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, चिलगोजा बहुत सारे औषधीय गुणों को भी अपने में रखता है ना, और काफी महंगा भी बिकता है। तो चिलगोजा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वह किससे यहाँ पर बनाया जाता है, बताओ जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होना चाहिए। और आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? पाइन। ठीक है, पाइन। तो पाइन क्या है? एक तरह का जिम्नोस्पर्म, एक तरह का अनावृत बीजी पेड़ होता है, और जो पर्वतीय प्रदेश होते हैं वहां पर यह ज्यादातर पाया जाता है, जहां पर ठंड बहुत ज्यादा होती है और पानी की थोड़ी कमी भी होती है। ठंड भी होनी चाहिए, पानी की थोड़ी कमी भी होनी चाहिए, और वहां पर इस तरह के पेड़ पौधे ज्यादातर उगते हैं जिनसे चिलगोजा यहाँ पर बनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज रहित टमाटर फल का उत्पादन किसके द्वारा संभव है? चलो जल्दी से इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पर आप लोगों का सही होना चाहिए। तो बीज रहित टमाटर फल का उत्पादन किसके द्वारा यहाँ पर संभव है? It is possible to produce seedless tomato fruits by पहले applying stress element in the tomato fruit, spraying minerals, spraying hormones, क्या यहाँ पर आपका सही आंसर बनेगा? और आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही बनेगा। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, हार्मोन्स जिसको हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, पेड़ पौधों का हार्मोन्स कहते हैं। और अगर आप सभी स्पेशली तौर पर बात करते हैं ऑक्सिन के बारे में, ऑक्सिन के बारे में, तो जो ऑक्सिन नाम का हार्मोन होता है वह क्या है? इसकी मदद से हम सभी कर सकते हैं पार्थेनोकार्पी, यानी बिना किसी निषेचन की प्रक्रिया से, बिना बीज बने हुए पौधे के अंदर हम फल का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऑक्सिन हार्मोन को छिड़क दो किसके ऊपर? फीमेल फ्लावर्स के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएंगे? फ्रूट्स यहाँ पर बन जाएंगे, पौधा यहाँ पर बन जाएंगे, और उनमें बीज भी यहाँ पर नहीं रहेगा। तो आपने देखा होगा कि जब आप छोटे होंगे तो जो टमाटर का साइज, अगर आप देशी टमाटर देखो तो साइज छोटा होता है, बीज बहुत ज्यादा होते हैं, अंगूर भी काफी छोटे छोटे आते थे और उनके बीच में बीज जैसा कुछ फील होता था। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बात करो अनार के बारे में, उनका साइज भी छोटा था। तरबूज की अगर आप बात करो या फिर संतरा की अगर आप बात करो तो साइज छोटे होते थे, बीज बहुत होते। पर आजकल अगर आप तरबूज, संतरा, इन सभी की आप बात करें तो बड़े ध्यान से देखना कि इनका साइज बड़ा है और बीज की मात्रा ना के बराबर है या फिर बहुत कम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो वह इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आजकल जो कृषक है वो सभी ऑक्सिन हार्मोन का ज्यादातर प्रयोग करते हैं। थोड़ी मात्रा में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं जो कि ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में अगर प्रयोग करेंगे और केमिकल्स मिला करके तो ये नुकसान करता है। जैसा आपने देखा होगा कि लौकी है ना, लौकी को इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो वो इन्हीं हार्मोन्स का लगाया जा रहा है, लौकी को पकाने के लिए, लौकी में कीड़े ना लगे इसके लिए। तो ये चीज थोड़ी गलत हो जाती है, नेचुरल तरीके से ग्रो होने दीजिए और उसके साथ आप थोड़ा बहुत बीच बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीन हार्मोन का प्रयोग कर सकते हैं, इट्स ओके।
क्योंकि हमें अपनी पैदावार को भी बढ़ाना है, हमें एक स्मार्ट कृषक के रूप में भी चीजों को सोचना है और व्यवसाय करना है, तो ये अच्छी चीज है। लेकिन इंजेक्शन लगाना और बहुत सारे केमिकल्स का यूज करना, कलरिंग करना, है ना, जैसे आपने देखा होगा घर पे आप पूछ सकते हो कि परवल वगैरह जो सब्जियां आती है जब उनको धो तो उनके ऊपर से हरे हरा रंग बाहर की तरफ निकलता है, इसका मतलब ऊपर से रंग उसमें चढ़ाया गया है, तो ये चीज गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा आप लोगों का यहाँ पर कि संवहनी पौधों में जल का संचालन किसके द्वारा होता है। संवहनी पौधों में जल का संचालन किसके वजह से यहाँ पर होता है। चलो चलिए इसका आंसर करो, कौन सा आंसर यहाँ पर आप लोगों का सही होना चाहिए बताइए। और आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जल का संचालन हो रहा है, किसकी वजह से होगा भाई, जाइलम टिश्यू की वजह से यहाँ पर होगा। तो जल्दी से नोट करेंगे कि जो डी ऑप्शन है वह बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही है। अब एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जल का संचालन किसकी वजह से हो रहा है और संवहनी पौधे यानी वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर जो यहाँ पे वैस्कुलर प्लांट्स लिखे हुए हैं उसका क्या यहाँ पर मतलब है। तो जो उच्च श्रेणी के पेड़ पौधे होते हैं जिनमें जाइलम फ्लोएम बहुत अच्छे से बना हुआ होता है तो उन्हें हम संवहनी पौधे या वैस्कुलर प्लांट्स यहाँ पर कहते हैं। और जाइलम की अगर हम बात करें तो यह वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं, जबकि फ्लोएम की अगर हम बात करें तो वह फूड का ट्रांसपोर्ट यहाँ पर करते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सर्वाधिक प्रभावी होता है। काफी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और चलिए चलिए से इसका आंसर करेंगे, कौन सा आंसर यहाँ पर हमारा सही बनना चाहिए बताओ, जल्दी से इसका आंसर करो। और मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जो आंसर यहाँ पर बनेगा वह क्या है, लाल। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे कि जो ए ऑप्शन है वह बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कि यह हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान होता है। अब प्रकाश संश्लेषण चल रही है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या यहाँ पर होता है। चलो बच्चों जल्दी से इसका आंसर करो, बहुत सिंपल है। प्रकाश संश्लेषण के समय सूर्य उगा हुआ है तभी प्रकाश संश्लेषण होगा, और साथ में ही आप देखेंगे कि इस टाइम पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वह ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को यहाँ पर छोड़ते हैं। अगर आप नॉर्मली इसकी रिएक्शन के बारे में बात करें तो 6CO2 यानी ऑक्सीजन लिया गया, 12H2O यानी कि थोड़ा सा पानी लिया गया, और यहाँ पर आपको लाइट देना है यानी सनलाइट देना है, और क्लोरोफिल यानी पर्णहरित यहाँ पर होगा C6H12O6 यानी आप नॉर्मली अगर आप देखो तो ग्लूकोज यहाँ पर बना, ठीक है, भोजन यहाँ पर बना, 6H2O पानी की थोड़ी मात्रा बनी, और यहाँ पर 6O2 यानी कि गैसेस रूप में आपको ऑक्सीजन यहाँ पर मिला। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि सूर्यास्त हो चुका है, सन अब नहीं है, रात का समय है या लेट इवनिंग है, बहुत अब रात शुरू ही हो गई है या घनघोर रात है, उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पर वो हमारी ही तरह रिस्पायरेशन करते हैं, हमारी तरह ही श्वसन करते हैं। जिस तरीके से हम सभी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जो पेड़ पौधे होते हैं वह भी यही काम यहाँ पर करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि रात के टाइम पर जो घने बड़े पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनके नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि आप भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, आप भी यही कर रहे हो, वो भी वही कर रहे हैं, इस वजह से वहां पे बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वह ऑक्सीजन को छोड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करने लगता है, बॉन्डिंग यहाँ पर बना लेता है और आपके पूरे शरीर में रोटेट होने लगता है, जिसकी वजह से आप क्या देखोगे कि आपके शरीर में क्या हो रहा है, यहाँ पर सफोकेशन हो रही है, घुटन हो रही है ना, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। मैम क्लास कितने बजे होता है, बच्चा ये क्लास आप लोगों की शाम को 4 बजे होती है। ठीक है, डेली शाम को 4 बजे यहाँ क्लास होती है, आप लोगों को डेली शाम को 4 बजे यहाँ पर आना है। ठीक है, चलिए हो गया, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट यहाँ पर कि मादा जनन पथ में पहुंचने के बाद मानव शुक्राणु अपने निषेचन की क्षमता कितने समय तक यहाँ पर बनाए रख सकते हैं। अब देखिए, हम सभी ने को यहाँ पर सबसे पहले दो शब्दों को समझना होगा। सबसे पहले एक शब्द आता है ओवम, जिसे ओवा भी कहा जाता है, जिसे एग भी कहा जाता है, जिसे अंडा भी कहा जाता है, जिसे डिम्ब भी कहा जाता है। पर डिम्ब इसका शाब्दिक अर्थ है और ओवा या ओवम इसको यहाँ पर हम इंग्लिश में प्रॉपर इसको कहते हैं। और एक शब्द होता है आपका यहाँ पर स्पर्म, और स्पर्म का मतलब होता है शुक्राणु हिंदी में। तो देखिए, अगर शुक्राणु
या फिर अगर आप एग या डिंब के बारे में बात करते हो तो यह कहलाता है रिप्रोडक्टिव गैमेट। गैमेट का क्या मतलब होता है यहाँ पर? गैमेट का मतलब होता है युग्मक, जो कि रिप्रेजेंट करता है मेल और फीमेल को, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम मनुष्य के बारे में बात करते हैं तो मनुष्यों में जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, वह मादा शरीर के अंदर की ओर होती है। तो इस पर मादा शरीर के अंदर की तरफ जाएगा और कितने दिनों तक जिंदा रहेगा और कितने दिनों तक निषेचन की क्षमता उसके अंदर बनी हुई रहती है, तो इस चीज को हमें यहाँ पर समझना होगा सबसे पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को लिखवाती हूँ, देखो। तो होता क्या है यहाँ पर कि जो स्पर्म होता है जब वो हमारे शरीर के अंदर एंट्री लेता है, ठीक है, जब कभी भी वह हमारे शरीर के अंदर एंट्री लेता है तो लगभग 72 घंटे तक वह जिंदा रहता है, ठीक है, अलाइव जिंदा रहता है। लेकिन अगर हम बात करें 48 आवर्स, तो 48 आवर्स तक उसके अंदर क्षमता रहती है कि वह फर्टिलाइजेशन यहाँ पर कर सकता है, यानी कि टू डेज के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मल तौर पर देखें तो 2 दिन यहाँ पे दिया है, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही बनेगा। तो जब ये हमारे शरीर के अंदर पहुंचेगा तो लगभग 72 आवर्स तक, मतलब कि 3 दिनों तक लगभग ये जिंदा रहता है। लेकिन इसके अंदर जो फर्टिलिटी होती है, जो यह निषेचन की प्रक्रिया कर पाए, ये कितने टाइम तक रहेगा? तो 48 आवर्स, यानी 2 दिनों तक ही रहता है, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है फेरेमोन्स पाए जाते हैं। अगर आप सभी फेरेमोन्स के बारे में बात करें तो फेरेमोन्स पाए जाते हैं। फेरेमोन्स क्या होते हैं? आपने एक एड देखा है कि एक लड़की या एक लड़का ने परफ्यूम लगाया और लोग उसके पीछे सूंघते हुए से जा रहे हैं, ठीक है, पर ये तो आर्टिफिशियल है ना। फेरेमोन्स का मतलब होता है यहाँ पर कि आपके शरीर से आपकी अपनी एक गंध निकल, वो खुशबू भी हो सकती है, वो बदबू भी हो सकती है, और किसी के लिए खुशबू होगी और किसी के लिए बदबू होगी, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम किसी कीड़े के बारे में बात करते हैं, किसी इंसेक्ट के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं, तो जो इंसेक्ट होते हैं उन सभी के शरीर में ज्यादा मात्रा में फेरोमोन्स निकलता है और ये कम्युनिकेशन के लिए, वार्तालाप के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगर आप चींटी को देखते हो, चींटी एक लाइन से जा रही है, आपने देखा कई बार चींटियां मुंह ऐसे अपना लगा करके, एंटीना ऐसे लगा करके बातचीत करती हैं, सिग्नल से एक दूसरे को देती हैं, बातचीत करती हैं कि भाई देखो वहां पे ना चीनी गिरी है, हमें वहां पे जाना है, ठीक है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना है। तो जो चींटियां होंगी एक के बाद एक ट्रेन की तरह बना करके एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना, तो वह क्या है? फेरेमोन्स। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप मधुमक्खियों के बारे में बात करो तो मधुमक्खियों में अभी आप क्या देखोगे? सेम यही चीज है ना। तो फेरेमोन्स जो होते हैं वो इंसेक्ट में, कीड़ों में ज्यादातर यहाँ पर निकलता है, मनुष्यों में भी निकलता है, ठीक है, मनुष्यों में भी निकलता है। चलो तो आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से यहाँ पर समझ आया होगा, और साथ में ही कल फिर से शाम को 4 बजे आप लोगों की क्लास होगी, और ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।